हवाबाज और दगाबाज मोदी सरकार की इस देश में पहचान बन गए हैं। जुमलों की हवाबाजी और जनता से दगाबाजी, ये मोदी सरकार को लेकर इस देश के 125 करोड़ लोगों की जबान पर है। देश के 125 करोड़ लोग निर्णय करें कि दगाबाज कौन है, जिन्होंने चुनाव से पहले 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में काला धन जमा करवाने का हवाबाजी वायदा किया और सत्ता में आने के बाद उसको जुमला कहकर हवा में उड़ाकर दगाबाजी की। देश के 125 करोड़ लोग निर्णय करें कि दगाबाज कौन है, जिन्होंने चुनाव से पहले किसान को कीमत का 50% मुनाफा देने का हवाबाजी वायदा किया और सत्ता में आने के बाद देश के 70 करोड़ से अधिक किसान को आत्महत्या की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। देश के 125 करोड़ लोग निर्णय करें कि असली दगाबाज कौन है, जिन्होंने 100 दिन के अंदर बगैर शर्त वन रैंक वन पेंशन देने का वायदा किया पर सत्ता में आने के बाद 5 सितंबर को ओआरओपी की घोषणा की, 6 सितंबर को फरीदाबाद में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक ठोक कर बड़ी बड़ी बातें की, परंतु 5 दिन तक जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी कोई लिखित आदेश ओआरओपी को लेकर सरकार ने जारी नहीं किया। देश के सैनिक आज भी लगभग 90 दिन से धरने पर बैठे हैं पर ओआरओपी को लेकर कोई लिखित निर्देश नहीं। आज तक यह स्पष्ट नहीं कि वो लोग जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं हमारे सैनिक, वो ओआरओपी की परिभाषा में आएंगे भी या नहीं आएंगे। 2 साल के बाद पेंशन का पुनर्विचार क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब प्रधानमंत्री देते नहीं। पेंशन समीक्षा कमेटी के अंदर हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को क्यों नहीं लिया जा सकता, इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। देश के 125 करोड़ लोग निर्णय करें कि असली दगाबाज कौन है, जिन्होंने गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ बिजनेस और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के हवाबाजी नारे दिए, परंतु सत्ता में आने के 15 महीने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पाताल के धरातल में ले जाकर पहुंचा दिया। इसीलिए कोई देश का ऐसा वर्ग अछूता नहीं जो मोदी जी की हवाबाजी और उनके नारों की दगा से अछूता हो। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इतनी ना गिराएं कि देश के लोग प्रधानमंत्री पर संपूर्ण विश्वास करना छोड़ दें, जो लगभग इस समय हुआ है और हर 125 करोड़ लोगों की जबान पर यही नारा आ जाए कि जुमलों की हवाबाजी और जनता से दगाबाजी अब मोदी जी की नई पहचान है।